मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए वैसे शीशे की तलाश कर। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहले मैं उस टॉपिक का चर्चा कर दूं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास हम लोग का होगा फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, यानी एक से लेकर के नौ महीने के बीच में किस प्रकार से चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड, यानी कि टोटल नौ महीने में बच्चे का फॉर्मेशन कब कब कितना कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्लास के अंत तक बने रहना पड़ेगा, और क्लास के अंत तक बने रहिए, हर चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, नाउ स्टार्ट। चलिए देखिए, हम सबसे पहले इसको अलग अलग भागों में बांट दिए हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है, इससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आप लोगों को बता दिए हैं कि जब ये क्लास आप लोग कर रहे होंगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो मान लीजिए कि अभी आप देखिएगा 70% 80% क्लियर होगा, फिर से 10 दिन 15 दिन के बाद क्या कीजिएगा, उसको भूल जाइएगा। तो इसीलिए क्या होता है, नोट्स बनाया जाता है कि कभी कभार आप बैठिए उसको देखते रहिए, और इससे क्या होगा, रिविजन जानते हैं आप लोग, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट माइंड, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा परफेक्ट माइंड नहीं बन पाइएगा। और आजकल का परीक्षा बहुत ही टफ हो रहा है, ठीक ना, और सारी परीक्षाओं को अलग दृष्टि से रखते हुए हमने एक ऐसा संग्रह किया है जिसमें हर क्वेश्चन को क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। देखिए तो चाइल्ड फॉर्मेशन में, यानी एक से नौ महीने में जो सबसे पहला माना, मतलब जो पहले महीने का विकास होता है, तो पहले महीने में विकास किस प्रकार से होता है, उस विकास की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें हम कि उसमें जो फॉर्मेशन होता है किस प्रकार से होता है। तो चलिए, हम वही बोल रहे थे कि चाइल्ड फॉर्मेशन से पहले कि कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखिए, चाइल्ड फॉर्मेशन से पहले कि हम प्रक्रिया थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेल और ये फीमेल, तो मेल और फीमेल के आपसी संबंध से अगर ये फीमेल है तो फीमेल क्या करता है, युग्मक देता है, और ये मेल भी क्या करती है, ये भी युग्मक देता है। इन्हीं दोनों युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि जायगोट बनता है, ठीक ना। अब वही जायगोट क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, मादा भेजाइने के रास्ते, मादा भेजाइने यानी कि मादा का जो योनि होता है उसी रास्ते क्या होता है, पुरुष के लिंग के सहारे जो स्पर्म होता है मादा यूट्रस के अंदर जाता है, वो भी कब, जब अंडा का ओवुलेशन होता है। तो अंडा का ओवुलेशन यानी कि मासिक चक्र का आना, तो मासिक चक्र में एक से लेकर के 5 या 7 दिन तक तो अंडा का ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडा बनता है। तो उस समय अगर स्पर्म अंदर जाता है मादा भेजाइने के रास्ते, तो उस समय अभी तो ओवुलेशन का प्रक्रिया चल रहा है, अभी उस समय तक अंडा बना नहीं रहता है, तो ये स्पर्म जाएगा तो वो निषेचन करेगा किससे, तो उस समय निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन 7 दिन के आसपास लगता है अंडा का ओवुलेशन में, और 7 दिन के बाद से अंडा का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद से अंडा बाहर निकलना प्रारंभ करता है और फिलोपियन ट्यूब में आता है, और इधर से यूट्रस के सहारे यानी कि मादा भेजाइने के रास्ते यूट्रस से होते हुए फिलोपियन ट्यूब में क्या करता है, स्पर्म भी जाता है और उधर से अंडा भी आता है। तो देखिए, ये अगर देखा जाए तो 7 से लेकर के ये 14, 15 और 16 इस दिन के बीच में कभी भी निषेचन हो सकता है, लेकिन अगर सबसे क्रिटिकल समय बोला जाता है तो 14, 15, 16 बोला जाता है, क्योंकि 14, 15, 16 में, 16 का जो समय होता है मासिक चक्र में, उस समय अंडा का ओवुलेशन पूर्ण रूप से हो गया रहता है, और वो अंडा निषेचन के लिए तैयार रहता है फिलोपियन ट्यूब में आकर के। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से जब अंडा निषेचित हो जाता है और वही अंडा निषेचित होकर के वो चला जाता है
यूट्रस में, और यूट्रस में जाने के बाद से वो जो अंडा होता है दो भागों में विखंडित होता है, तो वहीं एक बन जाता है प्लेसेंटा और एक बन जाता है भ्रूण, ठीक ना। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है, तो प्लेसेंटा का काम होता है कि मादा के रुधिर से, बात समझिएगा, मादा का जो रुधिर होता है, रुधिर से अनेक पोषक तत्वों को खींच करके यानी कि भोजन के रूप में क्या करता है, वो ले जा करके बच्चे को दे देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन तैयार होगा कि बच्चे का पालन पोषण किससे होता है, तो जो प्लेसेंटा होता है ना, उसी प्लेसेंटा के जरिए मादा के रुधिर से पोषक तत्वों को खींच करके लाकर बच्चे का क्या होता है, पालन पोषण होता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे का फॉर्मेशन होता है। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, एक एक मंथ को जानेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट मंथ में जो बच्चे का विकास होता है, तो वो देखिए, वो लगभग उसका वजन की बात की जाए तो उसका वजन लगभग लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है। अब 5 ग्राम की हम बात करें तो 5 ग्राम अब समझ जाइए लगभग लगभग इस प्रकार से, आप जाइएगा ना तो कभी सुनार के दुकान पे जाइएगा तो 1 ग्राम 0.5 ग्राम 5 ग्राम इसका मतलब पता चलेगा कि 5 ग्राम होता कितना है। 5 ग्राम बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म। जब अंडे का फॉर्मेशन होता है तो समझिए कि चाइल्ड फॉर्मेशन, तो उस समय सेल के रूप में होता है जो दिखता नहीं है जल्दी, ठीक ना। अब देखिए ये 5 ग्राम ये फर्स्ट मंथ में जब बच्चा डेवलप कर जाता है, फर्स्ट मंथ तक की हम बात बता रहे हैं, ठीक ना, जब बच्चा डेवलप कर जाता है उस समय, तो ये बच्चा के डेवलपमेंट के बाद ये 5 ग्राम क्या होता है, उसका वजन हो जाता है। अब उसके बाद से उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई 0.25 cm यानी कि 1 cm भी नहीं, यानी देखिए 1 cm ये होता है इतना लगभग लगभग, ठीक ना, इतना भी बच्चा का फॉर्मेशन एक मंथ में नहीं होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 ग्राम कितना हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट मंथ में जो बच्चे का फॉर्मेशन होता है 5 ग्राम होता है और लंबाई 0.25 cm होता है। एक चीज यहां पर जानिए कि प्रेगनेंसी के 4th सप्ताह के अंत तक हार्ट बीट यानी 1 मिनट में 65 बार, देखिए हम लोग का जो हार्ट बीट चलता है ना, ये अभी फर्स्ट मंथ की बात बता रहे हैं, ये फर्स्ट मंथ की बात है। एक बेसक का जो होता है 72 बार 1 मिनट के अंदर में धड़कता है हार्ट बीट, लेकिन वहीं बच्चे का पता कीजिएगा तो बच्चे का हम लोगों से ज़्यादा धड़कता है, लेकिन ये फर्स्ट मंथ के प्रोग्रेस के बाद से ये बातें आपको बताई जा रही है। फर्स्ट मंथ का प्रोग्रेस है, ये फर्स्ट मंथ का प्रोग्रेस है। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट चलना पर रंग हो जाता है। ऐसे बताया जाता है कि जो 4 हफ्ता होता है ना, 4 हफ्ते का जो अंत, 4 हफ्ते के बाद जो 5वां हफ्ता स्टार्ट होता है, ठीक ना, प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता जब स्टार्ट होता है तो उस समय बच्चे का क्या होता है, हार्ट बीट चलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना, यानी उसका दिल का धड़कन स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, 65 बार धड़कता है। तो देखिए फर्स्ट मंथ में कुछ ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बस बच्चे का वजन 5 ग्राम होता है और उसका लंबाई 0.25 cm होता है और 1 महीना में 4 सप्ताह और 4 सप्ताह के बाद से उसका जो हृदय की धड़कन होती माने धड़कन होता है वो प्रारंभ हो जाता है चलना और लगभग लगभग 65 बार के आसपास धड़कना प्रारंभ हो जाता है। तो फर्स्ट मंथ में ये प्रोग्रेस रहता है एक बच्चे के अंदर। सेकेंड मंथ की अगर बात करें तो वहीं बच्चा क्या होता है 14 ग्राम के आसपास हो जाता है। और देखिए हाँ एक चीज़ बताना भूल गए कि 4 हफ्ते के बाद से जो महिला यानी कि जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक ना, उसको क्या उसको बोलते हैं वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना, उल्टी होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो यही था, उसके बाद से 14 ग्राम हो जाता है सेकेंड मंथ में। अगर वहाँ पे हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई देखिए दोनों सब में क्या होगा, अंत तक जाते जाते सब में डेवलपमेंट होगा, ठीक ना, हर चीज़ में डेवलपमेंट होगा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड मंथ होता है 14 ग्राम का बच्चा हो जाता है। अब उसके बाद से वहाँ पर 1 इंच अब बच्चा जा करके सेकेंड मंथ जब पूरा कंप्लीट होता है, आप ये
फर्स्ट जो फर्स्ट मंथ खत्म हुआ है तो सेकेंड मंथ का शुरुआती आप ये ना समझिएगा, ये पूरा सेकेंड मंथ का फॉर्मेशन है। पूरा जब सेकेंड मंथ खत्म हो जाएगा तब इतना फॉर्मेशन हुआ रहता है, यानी कि 14 ग्राम और लंबाई 1 इंच के आसपास। क्वेश्चन आपको उठाएगा कि दिमागी विकास शुरू कौन से महीना से होता है, तो आप मारिएगा कौन से महीना से, सेकेंड मंथ से उसका दिमाग का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो एक मैसेज देना चाहेंगे हर महिलाओं को कि जिस प्रकार का आपके आसपास का पर्यावरण होगा वही पर्यावरण का असर आपके बच्चे पर भी होगा, ठीक ना। तो अपने आसपास का पर्यावरण को और अपने मानसिक स्थिति और अपने सोच को परिवर्तित रखिए, क्योंकि वो आप जिस प्रकार से सोचिएगा वही सोच आपके बच्चे के ऊपर भी असर करता है। कि क्योंकि आपका बच्चा आपके ही रुधिर से यानी आपके ही ब्लड से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो आप जिस प्रकार से सोचिएगा उसी प्रकार से आपका बच्चा भी सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये कब से, सेकेंड मंथ से ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक मैसेज, झगड़ा झंझट नहीं करना है और अच्छा अच्छा सोचना है, जो आपके बच्चे में भी क्या हो, अच्छा अच्छा ही विकास हो। देखिए अब उसमें एक चीज और आता है इम्पोर्टेंट, कि आँख का, कान का और नाक का। यानी देखिए आँख हो गया, कान हो गया और नाक हो गया, ये एक ही आसपास का सारा फॉर्मेशन क्या होता है, सेकेंड मंथ में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो दिमाग का विकास भी आँख का, कान का, नाक का और लीवर का बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। ये बनना सिर्फ शुरू होता है और हार्टबीट तो फर्स्ट मंथ से ही चालू हो जाता है और दिमाग का विकास सेकेंड मंथ से चालू हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये था, यानी कि लगभग ये सब बनना है, अभी सिर्फ फॉर्मेशन यानी कि बनना प्रारंभ होता है, ठीक ना, काम करना नहीं सिर्फ बनना। सेकेंड मंथ का वहीं पर अगर हम बात कर थर्ड मंथ का अगर हम बात करते हैं तो थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। और वेट बढ़ता कितना है, अभी देखिए अगर ये बात बोला जाए तो बच्चा भी 100 ग्राम का भी नहीं हुआ है कौन से महीने तक, ये तीसरे महीने तक बच्चा भी 100 ग्राम का भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग उसके अंदर ही चल रहे हैं, अभी ये 28 ग्राम का हुआ है, ठीक ना। यानी कि अगर इसमें एक ट्रिक माध्यम से याद कीजिएगा तो दूसरे महीने में अगर कितना है 14 है तो तीसरे में देखिए 28 हो गया। ये सब पे बैठेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा माइंड तो एक्टिव करके चलना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए थर्ड मंथ में 28 ग्राम हो जा रहा है और वहीं पर क्या होगा, इसकी लंबाई में भी प्रोग्रेस हो रहा है। पहले लंबाई कितना था, 1 इंच हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2.5 इंच, लगभग लगभग तीसरे महीने में 1.5 इंच ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हुआ है, ठीक ना, 1.5 इंच का ज़्यादा का प्रोग्रेस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2.5 इंच का हो गया उसका क्या लंबाई हो गया। और देखिए यहाँ पे किडनी और आँख का पूर्ण रूप से विकास इसी महीने में होता है। हमने आँख का देखा तो आँख इसमें बनना प्रारंभ हो गया था और तीसरे महीने में क्या हो गया, इसका पूर्ण रूप से क्या हुआ है, विकास हो चुका है, ठीक ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बाद में ये पूरा क्या होगा, मतलब जहाँ तहाँ ये रफ हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पे वही बोले इस महीने में क्या होता है, आँख मतलब फॉर्मेशन चालू होता है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है। अब देखिए इसी महीने से क्या होता है, चालू हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से विकास चालू हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, बनना प्रारंभ होता है और इसमें विकास चालू हो जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से लेकर 3 महीने का पूरा फॉर्मेशन करते हैं तो 1 से 3 महीने तक के अंत तक यहाँ पर आँख, कान, नाक, लीवर ये सब बनना प्रारंभ हो जाता है। और इसमें कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पूर्ण रूप से हो जाते हैं, जो किडनी है और आँख है। यहाँ पर तो हम लोग देखें कि लीवर, नाक, कान, आँख, ये तो सब क्या होता है, शुरू हो जाता है कौन सा महीने में, सेकेंड मंथ में ही, और हार्टबीट तो पहले ही मंथ में चालू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जानने वाला होता है कि जो अल्ट्रासाउंड्स होता है, अल्ट्रासाउंड्स के बारे में जान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड्स क्या होता है। तो अल्ट्रासाउंड कई प्रकार का होता है, तो उसमें बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे का विकास अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, या किस प्रकार के मतलब गर्भ में किस प्रकार की कमी है, क्या ज़्यादा है, मतलब उसको देख करके डॉक्टर क्या करता है, दवा वगैरह चलाता है, ठीक ना। तो उसमें जो बच्चा मूव करता है तो रिलैक्सिंग हार्मोन के चलते मूव करता है,
तो रिलैक्सिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा क्या होगा, अच्छा से मूव नहीं करेगा और किधर जा करके बेंड कर जाएगा और बाद में बच्चे का क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक ना, गहराई से समझिएगा हर चीज को। तो यहां पे होता है ये थर्ड मंथ, जब पूरा 3 महीना कंप्लीट होता है तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे का किडनी, आंख, नाक, कान, ये सब कुछ क्या होता है, बनना प्रारंभ, ये सब चालू हो जाता है। अगर उसके बाद हम देखते हैं 3 महीने के बाद, तो 3 महीना 10, 15 या 20, इस कंडीशन में 3 महीना 10 दिन 15 दिन अबाउट 20 दिन के आसपास अल्ट्रासाउंड्स के जरिए ये पता चल जाता है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। तो एक बात देखिए कि जो अल्ट्रासाउंड्स में डॉक्टर देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, ऐसा क्या चीज़ देख लेते हैं जो बोल देते हैं कि लड़का है, और ऐसा क्या चीज़ देख लेते हैं जो बोल देते हैं कि लड़की है। तो उसमें एक फिगर बनता है, एक चित्र बनता है। अगर देखिए वो चित्र अगर इस प्रकार से बन रहा है तो वो बोलेगा क्या है, लड़की है। ठीक ना, क्योंकि यह क्या है, फीमेल गुणसूत्र है। और अगर इस प्रकार की आकृति बन रहा है तो ये क्या हो गया, ये मेल गुणसूत्र है ना, ये मेल लिंग गुणसूत्र है और ये फीमेल लिंग गुणसूत्र है। तो कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर क्या करता है, इस आकृति को देख लेता। अब कहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग भी जाइएगा देख लीजिएगा तो आप लोग पता चल जाएगा, नहीं, लड़का या लड़की है उसका भी कुछ अपना कोर्स होता है, करना पड़ता है। ठीक ना, तब जाकर के पता चलता है। ठीक ना, हम आगे बढ़े, ये थर्ड मंथ का था पूरा। ठीक ना, अब आगे चलते हैं हम फोर्थ मंथ में। तो फोर्थ मंथ में होता क्या है कि बच्चा 113 ग्राम का हो जाता है। अब जाकर के उसके क्या होता है, लंबाई में 6 इंच यानी लगभग इतना बड़ा बच्चा होता है। कौन से मंथ का बात बता रहे, पूरे 4 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग इतना बड़ा बच्चा हो जाता है। ठीक ना, यानी इतना समझ लीजिए, इतना बड़ा के आसपास हो जाता है। अब उसमें 113 ग्राम का हो जाता है और तीसरे मंथ में कितना था, 28 ग्राम का था। अब देखिएगा क्या होता है, तीसरे मंथ के बाद से बच्चा में काफ़ी तेजी से वृद्धि होने लगता है और छठा तक तो जाते रहते, उसका वृद्धि दर इतना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि अगर पहले मंथ से हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक ना, तो देखिए ये 6 इंच का हो जाएगा और ये 4 महीने से ही हड्डियों की मजबूती यानी कि हड्डियों की मजबूती बढ़ने लगती है और साथ में भौं बाल का आना प्रारंभ हो जाता है। ये जो भौं है, ठीक ना, ये आना और बाल का आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ अगर हम बाल का आना अगर बताते हैं तो बाल का आना हम आगे चर्चा करेंगे कि बाल का आना कब पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाता है। ठीक ना, यहाँ पर 8वें मंथ में चलेंगे तो सिर का बाल आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये भी देखिए, बाल तो कई प्रकार के होते हैं, ये भी तो बाल है, ये भी तो बाल है, दाढ़ी मूंछ तो बाल है। ठीक ना, लेकिन ये भौं उन लोगों का आना प्रारंभ होता है कौन से मंथ में, ये आना प्रारंभ होता है 4वें मंथ में और वहीं से हड्डियों का मजबूती भी चालू हो जाता है। ओके, अब चलते हैं 5 मंथ में। तो 5, अब देखिए यहाँ पे 113 था, यहाँ पे 226, तो देखिए कितना प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोग्रेस हुआ है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, हम बोले आप लोगों से 14 दूना 28 ही हो जाएगा, अगर यहाँ पर चलिएगा 113 दूना क्या होगा, 13 दूना 26 और ये 200 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिएगा और यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वेट निकल जाएगा। ठीक ना, अब देखिए ये कोई आपको परफेक्ट वेट नहीं बताया जा रहा है। ठीक ना, 1, 2, 10, 5 ग्राम इधर उधर हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। ठीक ना, तो ये आपके जानकारी के माध्यम से है, बाकी तो क्वेश्चन तो यहीं से राइज करेगा कि कौन से महीने में हड्डियों का मजबूती चालू हो जाता है, कौन से भाव आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक ना, इन चीज़ों को सीखिए आप सब। अब यहाँ पर है जो उसका लंबाई होता है, लंबाई 6.5 इंच सीएम नहीं, 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच के आसपास हो जाता है उसकी लंबाई, कौन से, ये 5 मंथ में, और इसी महीने के अंत में फिंगर प्रिंट बनने लगता है। यानी जो बच्चा होता है उसका जो फिंगर होता है उसका प्रिंट यानी कि फिंगरप्रिंट ये बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक ना, कौन से महीने के, ये 5 महीने तक, यानी कि इसके अंत तक क्या होगा, ये बनना
प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो बच्चे का मसूड़ा बनता है ना, ये मसूड़ा बनता है, उसके अंदर दांत आ जाता है। बच्चे का जो मसूड़ा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, दांत का आना शुरू हो जाता है। दांत का बाहर निकलना, ये दांत का बाहर निकलना और मसूड़े के अंदर आना, ये दो बात है। तो सिर्फ मसूड़े के अंदर आता है, ठीक ना, ये बाहर तो जन्म लेने के बाद ही उसका आता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे तो ही बता रहे थे, यहाँ पे मसूड़ा जो होता है उसके अंदर दांत का आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो जन्म लेने के बाद ही उसके अंदर दांत आता है, ठीक ना। अब देखिए, किडनी पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना। जो बच्चे का किडनी होता है ना, वो किडनी क्या होता है, पूर्ण रूप से वो काम करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन किडनी आप जानते हैं ना कि जो मान लीजिए वाटर होता है, जो भी चीज़ होता है, उसका प्योरिफिकेशन तो किडनी के द्वारा ही होता है, ठीक ना। तो किडनी का काम करना जरूरी है, ठीक ना। ऐसा अगर आपसे बोल दिया जाए किसी के अंदर से अगर दोनों किडनी को हटा दिए तो क्या होगा, तो मर नहीं जाएगा वो, क्योंकि विषाक्त पदार्थ को क्या करता है, किडनी बाहर निकालने में मदद करता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग छठे मंथ में। तो छठे मंथ में क्या होता है, बच्चे का जो वेट हो जाता है वो 900 ग्राम के यानी कि आसपास हो जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं 1 kg के आसपास, तो 1 kg तो नहीं है लेकिन 900 ग्राम के आसपास है, और लंबाई वहीं पर देखी जाए तो 12 इंच के आसपास हो जाती है ना। तो 12 इंच के आसपास क्या होती है, बच्चे की लंबाई हो जाती है। और इसी महीने में अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो बच्चा का क्या होता है, आप देखिएगा बच्चा क्या होता है, लगता है कि अंगूठा चूसता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से, ये जो छठा मंथ होता है ना, छठा मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तब पता चलता है उस अल्ट्रासाउंड के जरिए कि बच्चा क्या कर रहा है, लग रहा है कि अंगूठा चूसता हुआ दिखाई दे रहा था। इसमें लंबाई और वजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोग्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। कौन से महीने में, छठे महीने के अंत में उसकी लंबाई में और उसके वजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोग्रेस हुई रहती है, ठीक ना। तो हम बताइए कि आप लोगों को कि जिस प्रकार से बढ़ते चले गए, इसका प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से यहाँ से चालू हुआ है चौथे महीने से, ठीक ना। अब यहाँ से तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 900 ग्राम और वहीं पर चलते हैं हम सातवें में, तो ये हो जाता है 1 kg का। और यहाँ पर देखिए आप 12 इंच, यहाँ पर हो जाता है 14 इंच का। तो देखिए ये क्या होता है, प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी मात्रा से ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। अब देखिए इसके बाद से क्या होता है, पलक भौं पूरी तरह आ जाती है। हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, और किस में सीखा, यहाँ पर सीखा आँख कान नाक का आना, ठीक ना। और इसमें देखिए, हाँ यहाँ पर था भौं कौन से महीने में, चौथे महीने में आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर पूछता है ना तो सातवें महीने में क्या होता है, यहाँ पर पलक ये वाला और ये भौं पूरी तरह से क्या होती है, आ जाती है। और इसमें बच्चे का विकास आधा से ज़्यादा, मतलब कहने का क्या हुआ, इस महीने में अगर देखा जाए तो बच्चे का जो फॉर्मेशन रहता है वो आधा से ज़्यादा हो गया रहता है, ठीक ना। कौन से महीने में, सातवें महीने में बच्चे का फॉर्मेशन आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका रहता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन उठा सकता है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर वजन की बात करते हैं आठवें मंथ में। तो वजन इसमें कितना चला जाता है, 1 kg से काफ़ी आगे निकल जाता है, यानी कि 1135 ग्राम का ये बच्चा हो जाता है आठवें मंथ में, ठीक ना। और वहीं पर अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है, 14 से 15 इंच का ही बच्चा रहता है। ओके, और सिर का बाल आना, देखिए भौं का आना पलक का आना दूसरी बात है और ये सिर का बाल आना ये दूसरी बात है। ओके, तो सिर का बाल का अगर बात पूछता है तो ये आठवें मंथ की बात है। आठवें मंथ में क्या होता है, सिर का बाल आना चालू हो जाता है और दिमाग का विकास शुरू हो जाता है। देखिए हम क्या बोले, यहाँ पर दिमागी विकास शुरू हो जाता है यहीं से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि दिमागी विकास शुरू हो जाता है, तो अब देखिए यहाँ से बच्चा सोचना समझना चालू कर देता है, कौन से, आठवें मंथ से, लेकिन विकास तो यहीं से चालू हो जाता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट मंथ में पहुँचते हैं, नौवें मंथ में। तो नौवें मंथ में देखिए, अब उस समय देखते हैं कि इससे पूछिएगा कि बच्चे का जन्म कितने का, 1 kg का हुआ है, तो बताएगा 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 4, मतलब इतने के आसपास ही बताएगा, अराउंड अस बताएगा, ठीक ना।
तो उसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ये लगभग अगर एवरेजन औसतन लेकर के चलते हैं, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म लगभग लगभग 2.5 kg के आसपास होगा तो बच्चा स्वस्थ होगा। ओके, तो ये लगभग लगभग की हम बात बोलते हैं। और वहीं पर लंबाई की बात बोलिएगा तो बच्चा लगभग लगभग कितना 19 या 20 इंच के आसपास का हो जाता है। तो ये 19 इंच ये तो हम लोग को पढ़ना है। अगर 20 इंच कहीं पे देता है तो गलत भी नहीं है, 18 इंच भी देता है तो कोई गलत नहीं है, ठीक ना। 1 इंच इधर उधर कभी भी हो सकता है, ठीक ना। वो तो उस महिला उस लेडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस साइज की है, ठीक ना। वो मतलब समझिए रहे हैं आप सब, ठीक ना। अब देखिए हाथ पांव पूरी तरह से डेवलप, अब तो ये तो आखिरी मंथ चल रहा है तो इसमें तो हर चीज़ का डेवलप होना मतलब ये लाजमी है, ठीक ना। इसमें हर चीज़ डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक डिलीवरी होगा कैसे। तो यही होता है कि इसमें वजन 2.5 kg के आसपास होता है और लंबाई 19 इंच के आसपास हो जाती है और हाथ पांव पूरी तरह से क्या होता है डेवलप हो जाता है और गर्भ के अंदर बच्चा काफ़ी ज़्यादा हलचल करने लगता है। बात समझ रहे हैं, यानी हाथ पांव काफ़ी तेज़ी से मारने लगता है, ठीक है। और उस समय अगर बात किया जाए कि बच्चा का जो कलर होता है तो बच्चा का जो कलर होता है एकदम हूबहू एकदम जो गुलाबी कलर होता है ना, गुलाबी कलर उस प्रकार का उसका कलर होता है। कौन से महीने की ये बात हम बता रहे हैं, ये 9वें महीने के आखिरी की बात बता रहे हैं। उस समय क्या होता है गुलाबी कलर का रहता है और साथ ही साथ जान लीजिए कि उसका स्किन, तो हम लोग का स्किन अभी टच किया जाएगा तो मतलब क्या है थोड़ा सा मतलब ये सॉफ्ट नहीं है, लेकिन उस समय देखा जाएगा अगर बच्चे का जो 9वें महीने चल रहा है या आखिरी तक, तो उस समय उसका जो त्वचा होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा मुलायम होता है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। तो यहाँ पर ये है, ठीक ना। अब देखिए ये था पूरा एक मतलब चाइल्ड परमिशन था पूरे 1 से लेकर 9 महीने तक का, ठीक ना। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम कोई भी पैटर्न से उठाना चाहता है, ठीक ना, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। अगर आप कोई एक पूरे ईमानदारी से पूरा इसका स्टडी कर लीजिए, एक नोट्स बनाइए इसका और एक बार दो बार पढ़िए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।